दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज की शुरुआत ब्लॉग से मैं आपको मंगवाचू ट्रैक के कुछ पगडंडियों से रूबरू कराऊंगा। और मैं खुद आज मंगवाचू ट्रैक के कुछ पड़ाव तक जा रहा हूं और देखता हूं वहां पर कितनी बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं श्रीकांत है। और आज की जो मेरी यात्रा है मैं अपने बड़े कचरों के साथ करूंगा, क्योंकि अभी यहां पर अच्छी धूप भी है और मेरे साथ मेरे मामा जी हैं। ये देखिए, ये घोड़े के सिर लेकर हम नीचे आप गाँव दे सकते हैं, अभी नीचे है गाँव। तो वहाँ से अभी कुछ ट्रैक हमने कचरों के माध्यम से भी किया है और कुछ ट्रैक हम स्वयं कर रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग होगा, आज की जो आपके सामने जो ब्लॉग आएगा वो इस तरह रहेगा कि मैं कितनी हाइट पे जा रहा हूँ, कितना ठंडा है, मैं आपको सब कुछ कराऊँगी। आप देख रहे हैं आज काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर पहाड़ों में एक स्पेशली चादर ओढ़ी हुई है। और यहाँ पर मैं ये सारे देवदार के पेड़ हैं, देवभूमि, और यहाँ पर पूरे आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे। और जहाँ तक हमने अभी हमारा लास्ट जो हम जहाँ पर पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है राकुट, और राकुट के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ तक क्या कि स्थानीय लोग जो काश्तकार हैं उनके यहाँ पर बगीचे हैं, तो आप देख सकते हैं सेब के बगीचे भी यहाँ पर आप देखेंगे। तो हम अपने पत्थर के माध्यम से इस ट्रैक को करेंगे और कुछ दिन बाद हम यहाँ का, और ये देखें बगीचे वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेब निकल चुका है तो लोग बगीचे यहाँ पर बना रहे हैं। तो हर चीज़ से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और आप लोग यूं ही सहयोग देते रहे तो मैं आपको ट्रैक के माध्यम से, क्योंकि मैं ट्रैक भी करवा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे सहयोगी और निमित जी है यहां पर। तो दोस्तों, मैंने कुछ पड़ाव मैंने कंप्लीट कर चुके हैं और मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अभी घोड़े पे बैठा हुआ, आप देख सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल देवदार के बीचों बीच निकल रहे हैं और धीरे धीरे जैसे हाइट चढ़ रहे हैं तो ठंडा भी काफ़ी लगता है।
पेड़ की बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए कितने विशाल पेड़ हैं, ये एक खूबसूरत नज़ारा है जो वो सामने आ रहा है। ये है, अभी मैं आपको भोजपत्र होते हैं जो भोजपत्र के पेड़ भी दिखाऊंगा। तो ये खच्चर यहीं पर रुक चुके हैं, इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको भोजपत्र के भी आज दर्शन कराऊंगा। देखो ये भोजपत्र के टहनी है जो टूटी हुई है, तो ये खच्चर चुगने में लग चुके हैं। वो तो जो दिखा रहा हूँ ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं, और ये देखिए भोजपत्र। तो यहाँ पर बर्फ है, तो उस चक्कर से अब मैं आपको भोजपत्र के, ये देखिए आप, ये पूरे भोजपत्र के पेड़ हैं। ये देखिए भोजपत्र, ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं। तो और दिखाऊंगा मैं आपको आगे। अभी मैं एक फील्ड पे आ रखा हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, और जिससे कि मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है अभी, क्योंकि जो रास्ते में जो ट्रैक था वो वहाँ पर बर्फ भी दिखी और काफ़ी ठंडा था, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उस मार्ग पर चलने में। तो अभी मैं एक, यहाँ पर एक बड़ा सा फील्ड है, बड़ा सा एक खेत है यहाँ पर, जो बताया जाता है कि जो हमारे ग्राम सभा मुखवा के जो निवासी जो पहले बुजुर्ग थे, तो वो यहाँ पर खेती करते थे, आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पूरा पूरा एरिया एक खेत की तरफ फैला हुआ है, और यहाँ पर वो लोग आते थे और यहाँ पर आलू या तमाम उस टाइम जो फसलें होती थी तो उनको यहाँ पर वो बोते थे। तो इतनी दूर और गांव से इतनी दूर वो आ जाते, तो खेत को काम करना और यहाँ पर उनकी छानियाँ भी रहती थी, तो इतने दूर दूर खेती थे, तो कितने मजबूत थे हमारे बुज़ुर्ग, जो हमें आज हम देखो इतने चलने में हमें ये काफ़ी बड़ा ट्रैक लगता है। तो जब इन चीज़ों को खंगाला जाए, इन चीज़ों को देखा जाए, तो यही एक देखने को मिलता है कि जो पहले के जो बुज़ुर्ग थे वो किस हिसाब से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी और 80-80, 90-90 साल तक वो आराम से जीते थे और उससे प्लस भी हो जाते थे। कभी कभी हमने ऐसे भी सुना है कि 100 पार हो चुके हैं। तो इसी कारण, क्योंकि उनके खान पीन में एक नेचुरलिटी थी और पैदल ही उनका चलना था, तो ये चीज़ें हमें यही सिखाती है कि हमें चलना ज़्यादा है। पर आज के ज़माने की बात की जाए तो आज के युवा या हमें किसी को भी लेके चल, क्योंकि वो नहीं चल पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारी मैं आपको आगे तक दिखाते रहूँगा, और अभी मैं आपको कुछ और यहाँ पर जो पर्वत हैं वो उनके दर्शन भी कराऊँगा, उनको उनका दीदार भी कराऊँगा। तो आप देखते रहें, वीडियो में बने रहे दोस्तों। यहाँ से मैं आपको सिरकांड के दर्शन करा रहा हूँ, देखो आप पूरा देख सकते हैं, और ये देखिए पूरा अच्छा व्यू है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये इधर वाली घाटी है, ये इधर वाली घाटी है, यहाँ पर आपने देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी धूप लगी हुई तो काफ़ी दिक्कतें आएगी दिखने में, पूरा नहीं, पर सिरकांड का पूरा अच्छा व्यू दिख रहा है। तो दोस्तों, अब मैं गाँव में पहुँच चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी गांव की रह चुकी है, और सारा दिन आप धूप भी देख सकते हैं और दिन भी ढल चुका है। तो दोस्तों, आपसे मेरा दिल से, और आप लोग, मेरा अभी YouTube चैनल नया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, और मैं आपको ट्रैकिंग से लेकर हर चीज़ के संबंध में आप लोगों को
यहाँ पर जानकारी देता रहूँगा तमाम सोशल मीडिया की तरफ मैं आपको, पहाड़ों की या हर्षद वैली की, तमाम क्षेत्र की मैं आपको आप तक कोशिश करूँगा वीडियो पहुँचाने की, ब्लॉग पहुँचाने की। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।